हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक रेयर पौधे को या फिर एक ट्री के पौधे को गमले में रोपण करेंगे। लेकिन दोस्तों, साथ में यह भी मैं बता देता हूँ कि ग्राउंड में प्लांटेशन के लिए इस विधि का पालन ना करें। ग्राउंड में प्लांटेशन के लिए मैंने अलग सा वीडियो दे दिया है, लेकिन गमले में प्लांटेशन के लिए आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है एक रेयर पौधा जिसको चांदी का पेड़ या लेडी लेक या फिर भूतिया पेड़ भी कहा जाता है। ये पौधे की खासियत यह है कि यह जब एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है तो इसके तने पर फ्लोरोसेंट जैसे ग्लो करने वाला एक पाउडर जमने लगता है, और जिसके वजह से रात में भी ये पेड़ जंगलों में ग्लो करने लगता है। रात में उड़ने वाले बहुत सारे पंछी इस पेड़ के माध्यम से अपने उड़ने की दिशा तय करते हैं। इस पेड़ के औषधीय गुण और ट्रेडिशनल वैल्यू में अगले वीडियोज में ज़रूर बताऊंगा। और इस वीडियो में इसका प्लांटेशन प्रोसेस चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके पत्तों को काट देता हूँ। यह दोस्तों, प्लांटेशन के समय बहुत सारे पौधों में पत्तों की वजह से डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो मैंने नीचे उन पौधों की लिस्ट दे दिया है जिनमें आप प्लांटेशन से पहले पत्तों को काट सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे के टिप को छोड़कर और कुछ छोटी छोटी पत्तियों को छोड़कर बाकी बड़े पत्तों को काट दीजिए। इसके बाद करते हैं गमले का सिलेक्शन। मिट्टी के गमले प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छे रहते हैं, और अगर मिट्टी के गमले आपको ना मिले तो प्रीफर कर सकते हैं सीमेंट के बने हुए गमले। खासकर जब आप ट्रीज के पौधे प्लांटेशन करना चाहते हैं तो प्लास्टिक और सेरामिक के बने हुए गमलों को अवॉइड कीजिए। तो प्लांटेशन से पहले चेक कर लीजिए, एक्सेस पानी को ड्रेनेज करने के लिए छोटे छोटे होल होने चाहिए इस तरह से। फिर इसके बाद करीब 2 इंच हाइट तक हम कुछ खुरदरी या मोटे रेत भर देते हैं। फिर हम पौधे को गमले में डालकर नाप ले लेते हैं, और पौधे को कितना हाइट में रखना है ये हमारे गमले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे और थोड़ा मिट्टी देना होगा सही हाइट पे रखने के लिए। तो अब इस पॉलीबैग से हम पौधे को बाहर निकालेंगे। निकालने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर पानी दे देते हैं। निकालते समय ध्यान रखें कि पौधे के साथ जो मिट्टी है वो अपने जड़ों से डिटैच नहीं होना चाहिए। अब हम धीरे से पॉलीबैग के निचले हिस्से को काट देते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने निचले हिस्से को काट लिया, और यहाँ पर आप रूट्स को देख सकते हैं। और इस तरह से मैं इसे गमले पे रख देता हूँ, और थोड़ा सा जर्क देकर मैं पॉलीबैग को निकाल लेता हूँ। फिर इसके साइड से हम मिट्टी भर देते हैं। और स्लोली यहाँ पे पानी दे देते हैं। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, पौधा रोपण के समय कोई भी जैविक या रासायनिक खाद ना दें। इस पौधे को केवल पानी और धूप के सहारे कम से कम 6 महीनों तक जीवित रखें। तो करीब 4 महीनों बाद आप देख सकते हैं कि इस पौधे में बहुत सारे पत्ते आ गए हैं, साथ ही साथ एक ट्यूबर रूट भी नीचे बढ़ने लगा है। हालांकि ये केवल चांदी के पेड़ों में ही दिखा जाता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ठीक उसी तरह आप बहुत ही आसानी से पौधों को गमले में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, प्लांटेशन के ऊपर आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।